अक्सर अपने तेवर से चर्चा में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत इस बार अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। उनके इस फिल्म के खिलाफ देश का पूरा सिख समाज भड़का हुआ है। एक तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर के सिख समुदाय ने फिल्म पर आपत्ति दर्ज करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली है, वहीं दूसरी ओर मुंबई में भी गुरुद्वारे के बाहर हाथ में चप्पल और कंगना रनौत की फिल्म का पोस्टर लेकर इस फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया गया है सिख समुदाय द्वारा। साथ ही प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वाले जसपाल सिंह सूरी ने कहा, फिल्म रिलीज हुई तो दंगे होंगे, कत्लेआम होंगे, यह जूते खाने की हरकत है और वह यानी कंगना जूते खाएगी। अब वहीं इस विरोध में नया अपडेट ये है कि चंडीगढ़ के एक ऑटो ड्राइवर अनिल कुमार ने कंगना की इस फिल्म का विरोध करते हुए अपने रिक्शे पर एक पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर में लिखा है, कंगना सरदारों को बदनाम करती है। अब आपको बताते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल फिल्म इमरजेंसी में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह दिखाई गई है, साथ ही इसमें आपातकाल के समय को दर्शाया गया है। फिल्म का जो ट्रेलर सामने आया है उसमें चार सिख हिंदुओं को गोली से भूनते दिखाया गए हैं। वे खालिस्तान की मांग करते दिखाए गए हैं। सिखों का रूप विभिष्ट और खतरनाक बताया गया है इस फिल्म में, यानी जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसमें। समुदाय का कहना है कि फिल्म से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और सिख समाज की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। फिल्म को लीगल नोटिस थमाया जा चुका है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया है। याचिका में फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। अब बताते हैं कि कंगना ने इस पूरे विरोध पर क्या बोला है। फिल्म पर रोक लगाने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, झाड़ के पीछे लड़का लड़की रोमांस करते हैं, वहीं दकियानूसी कहानी बनाते रहे। आज हम इससे डर जाएं, कल किसी और से डरेंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे। हम हर चीज से डरते रहते हैं, हम कब तक डरेंगे। मैंने अपने पूरे स्वाभिमान से फिल्म बनाई है, इसीलिए सेंसर बोर्ड कोई चीज पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रोका हुआ है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं फिल्म का अनकट वर्जन रिलीज करूंगी। मैं कोर्ट में लड़कर इसे अनकट रिलीज करूंगी। मैं अचानक ये नहीं दिखा सकती कि इंदिरा गांधी अपने आप ही घर में मर गई थी। मैं इसे ऐसे नहीं दिखा सकती। जो सच है वो ही दिखा सकती हूँ और वही दिखाऊंगी। इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे प्रदर्शन पर कंगना ने अपनी ये बात कही है। बाकी जानकारी के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।